इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें इस तरीके से इशू आता है, देयर इज नो डेबिट कार्ड्स रजिस्टर्ड अंडर योर नेम, तो यहाँ पर क्या दिक्कत रहती है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक्सिस पहले आपको बैक कर देना होगा यहाँ से, ठीक है, फुल्ली यहाँ से काट देना होगा। तो मैं काट देता हूँ इसको और इसे दोबारा खोल लेता हूँ एप्लीकेशन को। यहाँ से दोबारा हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना कोड डाल देते हैं अपना पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ से ये प्रोसेस होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर सर्विस एंड सपोर्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड सेट प्रीसेट पिन इस पर जाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर आपको दोबारा इस तरीके से दिखाता है तो आप समझ जाइएगा कि डेबिट कार्ड आपका डीरजिस्टर्ड हो चुका है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है। आप अपने अकाउंट को एक दफ़ा रिफ्रेश भी मार सकते हैं सर्विस पर जाकर। आप अपने सर्विस पर जाने के बाद उसके बाद आपको अपने अकाउंट को एक दफ़ा रिफ्रेश मार लेना है अपनी एप्लीकेशन से। मैं लाइक यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले होम पेज पर जाते हैं और उसके बाद होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मोर में जाना है। मोर में जाएंगे जैसे ही तो यहाँ पर आपको इस तरीके से तो पहले दिखाई देगी। आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट अस भी कर लेना अगर आप कॉन्टैक्ट अस करना चाहें व्हाट्सएप पर इनसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अभी यहाँ पर आप एप्लीकेशन में ही जाइएगा। एप्लीकेशन यहाँ पर जब आप प्रोफाइल खोलेंगे तो सेटिंग्स आपको दिख जाएगी, इस पर जाना है और यहाँ पर अकाउंट को रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पर बस क्लिक करेंगे और रिफ्रेश आपका अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर टेक्निकल ग्लीचेज वगैरह चल रहे होंगे तो फिर आप उस इशू को भी यहाँ पर अवॉइड करिएगा। अगर कुछ भी नहीं, ये रिफ्रेश हो जाता है और ठीक है चल जाता है, तो फिर दोबारा चेक करिएगा। अगर ये चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर भी नहीं चलता तो बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट करिए कि मेरा डेबिट कार्ड नहीं चल रहा। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ था, हमें समझना था कि इशू क्या है, और ये समझ जाते हैं तो फिर आप सर्विस के लिए अप्रूवल डाल सकते हैं। मैं आपको सीधा सा बता दूं कि मैंने अपना अकाउंट क्लोज़ कर दिया है, उस वजह से यहाँ पर ये इस तरीके का इशू शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अगर अकाउंट क्लोज़ नहीं करवाता तो ये सही चलता हुआ होता। तो सिर्फ यही प्रोसेस की वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।